दोस्तों, अगर इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इलेक्ट्रिक बाइक की तो एक या दो इलेक्ट्रिक बाइक ही आपको मार्केट में देखने को मिलता है। इसीलिए आज के वीडियो में इंडियन मार्केट में आने वाला टॉप 5 बेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में बात करेंगे और इन बाइक के रेंज, परफॉर्मेंस, फीचर्स और प्राइस के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए और ईवी सपोर्टर को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में डिटेल वीडियो लेकर आते हैं ईवी सपोर्टर में। चलिए गाइस, आज का इस बेहतरीन वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5 पे आता है स्विच कंपनी के तरफ से आने वाला CSR 762। ये एक न्यू गुजरात बेस्ड ईवी स्टार्टअप है जो अपनी फास्ट इलेक्ट्रिक बाइक को मार्केट में उतरने वाले हैं। ये इलेक्ट्रिक बाइक का डिजाइन देखने में काफी मस्त और स्पोर्टी देखने को मिलेगा। अगर इस बाइक का परफॉर्मेंस की बात करूं, इसमें आपको 3 kW की फ्रेम माउंटेन PMSM मोटर दिया जाएगा, जिसमें आपको चेन ड्राइव सिस्टम देखने को मिलेगा और इसका टॉप स्पीड 110 किलोमीटर देखने को मिलेगा। इस बाइक में आपको दोनों व्हील्स में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी, मगर इसमें विदाउट ABS डिस्क ब्रेक दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं इसका रेंज के बारे में। इसमें 3.7 किलोवाट आवर की फिक्स बैटरी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको सिंगल चार्ज में 120 किलोमीटर का रेंज देखने को मिलेगी और ये बैटरी 3 से 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। और इस इलेक्ट्रिक बाइक में आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा और इसमें मैक्स 200 kg का लोड कैपेसिटी भी देखने को मिल जाएगी। अगर फीचर्स की बात करें तो इस बाइक में फीचर्स भी काफी अच्छा देखने को मिल जाएगी। डिजिटल कंसोल से लेके मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी तक सभी एडवांस फीचर्स इस इलेक्ट्रिक बाइक में देखने को मिल जाएगी। सिर्फ इस बाइक का रेंज थोड़ा सा कम है, इसलिए इस बाइक को हमने नंबर 5 पे रखा है। अब बात करते हैं इस बाइक का प्राइस के बारे में। इस बाइक का प्राइस 1.65 लाख के अराउंड देखने को मिल जाएगा। नंबर 4 पे आता है अल्ट्रा वॉलेट की तरफ से F77। इस बाइक के लिए बहुत सारे लोग एक साल से इंतजार कर रहा है। ये बाइक बहुत पहले ही लॉन्च हो जाती थी, लेकिन कुछ दिन पहले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरी में फायर हो रहा था, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का गाइडलाइन चेंज कर दिया है। अब ये बाइक इम्प्रूवमेंट के साथ 2023 के पहले ही मार्केट में देखने को मिल सकता है। डिजाइन के बात करें तो ये बाइक स्पोर्ट्स बाइक के कैटेगरी में आता है। इस बाइक का डिजाइन काफी बेहतरीन है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें, इस बाइक का परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिलता है। इस बाइक में आपको 25 किलोवाट की AC मोटर देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर मैक्स हॉर्स पावर 33.5 HP का देखने को मिल जाएगा और इसका पीक टॉर्क 500 mm का देखने को मिलेगी। इसलिए इस बाइक का पावर बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाएगी और ये बाइक 0 to 60 रीच करने में 2.9 सेकंड लेता है और 0 to 100 7.5 सेकंड लेता है। जैसे कि ये बाइक एक स्पोर्ट्स बाइक है तो इसमें ब्रेक भी दमदार मिलेगी। इस बाइक में दोनों व्हील्स में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी, वो भी डुअल चैनल ABS के साथ। अगर इस बाइक का बैटरी और रेंज की बात करें, जैसे कि आपको पता है इस बाइक में आपको 3 renewable बैटरी देखने को मिलता था 4.5 kWh की, जिससे ये बाइक का रेंज 150 किलोमीटर की मिलती थी। अब ये कंपनी इस बाइक में रेंज का इम्प्रूव कर दिया है। अब इन्होंने इसकी बैटरी को और भी इम्प्रूव कर दिया है। अब इस बाइक में आपको 10.5 kWh की फिक्स बैटरी देखने को मिलेगी, इसलिए इसमें रेंज भी काफी ज्यादा मिलेगी। 300 किलोमीटर की रेंज इसमें देखने को मिलेगी सिंगल चार्ज में। और इसका डिजाइन भी कंपनी ने काफी इम्प्रूव कर दिया है। इसका डिजाइन भी पहले से काफी बेहतरीन लगता है। अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले से मोबाइल कनेक्टिविटी तक सभी एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें इस बाइक का प्राइस के, इस बाइक का प्राइस 3 लाख से 3.5 लाख के अंदर देखने को मिलेगी। इस बाइक में इतना ज़्यादा रेंज, बैटरी, फीचर्स दिया गया है, इसलिए इसका प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा मिलता है और ये बाइक 2023 के अंदर ही इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। नंबर 3 पर है रिवर्ल्ड के तरफ से आने वाली RV काफे रेसर। इस समय इंडियन मार्केट में एक ही इलेक्ट्रिक बाइक सबसे ज्यादा चल रहा है, वो है रिवर्ल्ड का RV 400, जो कि अगले 2-3 साल से मार्केट में धूम मचा रहा है। अब ये कंपनी ने एक नया इलेक्ट्रिक बाइक को भी मार्केट में उतर रहा है, रिवर्ल्ड RV काफे रेसर। अगर इसका परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 3 kWh की मोटर देखने को मिलेगी और इसका टॉप स्पीड 45 km/h रहने वाला है और इस बाइक का दोनों व्हील्स में ही डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा और इसका एक एडवांस फीचर रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है। और इस बाइक में भी रिवोल्ट RV 400 की तरह फेम माउंटेन बेल ड्राइव मोटर देखने को मिलेगी।
अब बात करते हैं इसका बैटरी के बारे में। बैटरी इसमें 7-2 वाट की 3.24 एम्पियर आवर की रिमूवेबल बैटरी देखने को मिलेगी। बैटरी के बारे में कंपनी ने उतना कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है। अगर रेंज की बात करूं, इस इलेक्ट्रिक बाइक में आपको 160 किलोमीटर की रेंज देखने को मिल जाएगी। अगर फीचर्स की बात करें, इसमें भी सभी फीचर्स मिलेगी, इसमें भी आपको सभी फीचर्स देखने को मिलेगा जैसे एडवांस इलेक्ट्रिक बाइक में देखने को मिलता है। अगर प्राइस की बात करें तो इस बाइक का प्राइस 1.5 लाख के अराउंड देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस बाइक का लॉन्च डेट के बारे में। इस बाइक का बुकिंग नेक्स्ट ईयर के मिड में ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट बाइक के बारे में। नंबर 2 पे आता है हीरो इलेक्ट्रिक के तरफ से AE47। हीरो ने भी अपना एक इलेक्ट्रिक बाइक को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयारी कर रहा है। बात करते हैं इस बाइक के बारे में, इसका डिजाइन काफी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसका परफॉर्मेंस का, इसमें 4 किलोवाट की BLDC हाफ मोटर देखने को मिलेगी जिसमें कि टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की देखने को मिल जाएगी। और इस बाइक का दोनों व्हील्स में ही डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी और इस बाइक में रीजनरेटिंग कॉम्बाइन ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस बाइक का बैटरी और रेंज के बारे में। इस इलेक्ट्रिक बाइक में आपको 4.8 किलोवाट आवर की फिक्स बैटरी देखने को मिलेगी और इसमें 160 किलोमीटर का रेंज सिंगल चार्ज में देखने को मिल जाएगी। और इस बाइक में आपको 180 केजी का लोड कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। अगर इस बाइक का फीचर्स की बात करें तो इसमें फुल्ली LED लाइटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगी और इसमें फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको ब्लूटूथ मोबाइल कनेक्टिविटी जैसे सभी एडवांस फीचर्स देखने को मिलेगा। इसमें ज्यादा हाईफाई फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक बाइक होने वाला है। अगर प्राइस की बात करें, इस बाइक का प्राइस 1 लाख के अराउंड देखने को मिलेगा और ये बाइक अगले साल के मिड में इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगी। और नंबर 1 पे आता है ओवेन ईवी रॉर। ये एक बेंगलुरु बेस्ड ईवी स्टार्टअप है, सबसे अफोर्डेबल हाई स्पीड इलेक्ट्रिक बाइक लेकर आ रहा है। ये बाइक का डिलीवरी का बात काफी टाइम से हो रहा है, अभी तक इसका डिलीवरी चालू नहीं हुआ है। इस बाइक का इंतजार बहुत सभी लोग बेसब्री से कर रहा है क्योंकि इस बाइक में इतने अफोर्डेबल प्राइस में सभी एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाएगा। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 10 किलोवाट की मोटर दिया जाएगा जिसमें कि टॉप स्पीड इसमें 100 किलोमीटर पर आवर देखने को मिल जाएगा और इसका रेंज भी काफी अच्छा मिल रहा है 200 किलोमीटर के आसपास। अगर इस बाइक का डिलीवरी डेट की बात करें तो ये बाइक अगले साल के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, आपको इनमें से कौन सा बाइक सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइए।